मैंने आप सभी को कुछ दिन पहले ही सिस्टम एफ के अपडेट प्रोवाइड किए थे, जिसमें से मैंने एक मी वाइल लॉन्चर जो कि अल्फा वर्जन में था प्रोवाइड किया गया था, जिसके अंदर कई सारे इंटरेस्टिंग चेंज प्रोवाइड किए गए जो कि आपको आई थिंक पसंद भी आए होंगे और एनिमेशन में काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट भी देखने को मिला। लेकिन वो जो लॉन्चर था हमारा, वो एक स्टेबल नहीं अल्फा वर्जन था जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। लेकिन इसका फाइनली एक स्टेबल रिलीज हो चुका है, वो भी मी वाई 13 का। क्योंकि अब तक जितने भी हमें लॉन्चर देखने को मिले थे वो बिल्कुल ही सिंपल से लुक में देखने को मिल रहे थे, जिसमें कुछ खास चेंज नहीं था, थोड़ा बहुत एनिमेशन में बदलाव देखने को मिलता था। बट इस बार जो लॉन्चर हमें देखने को मिला है वह है मी वाई 13 का फाइनल स्टेबल लॉन्चर, जो कि सभी के लिए अवेलेबल हो चुका है और आप इसे अपने रेडमी एमआई के डिवाइस के अंदर इंस्टॉल कर सकते हो, क्योंकि पोको में पोको लॉन्चर आता है। तो यहाँ पे आप देख पाओगे कि पहले की तरह ही आपको नया लुक देखने को मिलता है MIUI 13 वाला, और यहाँ पे विजेट्स के ऑप्शंस वगैरह देखने को मिल जाते हैं और यहाँ से आप सेटिंग्स वगैरह में इन कर सकते हो। और पहले से इसका जो ट्रांजिशन है ना, जो इफेक्ट एनिमेशन वगैरह है, वो काफ़ी ज़्यादा स्मूथ और बिल्कुल ही क्लियर तरीके से नज़र आता है। अगर मैं पिन यहाँ पे करता हूँ कुछ इस तरीके से, तो आपको हिलटा डुलटा स्प्रिंग टाइप का यहाँ पे एनिमेशन देखने को मिलेगा, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, और एक काफ़ी अच्छा सा इफेक्ट देता है हमारे होम स्क्रीन के ऊपर। और कुछ भी ऑप्शन को आप सिलेक्ट करते हो तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से फोल्डर और आइकन देखने को मिलता है, जो कि पहले से थोड़ा सा डिफरेंट आपको नज़र आता है। और जो यहाँ पे हमारा फोल्डर है, इसके अंदर पहले हमें ब्लर इफेक्ट देखने को मिलता था, जो कि इसे फिलहाल रिमूव कर दिया गया है, मे बी इन फ्यूचर आ जाए, बट अभी आपको MIUI 13 के लेटेस्ट लॉन्चर में ये देखने को नहीं मिलता। और सेम इसी टाइप का एनिमेशन और इफेक्ट आपको इन्हेंस वाले लॉन्चर में भी देखने को मिलेगा, जो कि 12.5 का आपको मिलेगा इन फ्यूचर। उसके बाद यहाँ पे आपको बताया कि MIUI 13 में कई सारे विजेट्स सपोर्ट करते हैं ऑफिशियली, जो कि मैंने काफ़ी टाइम पहले वीडियो दिया था। लेकिन इस लॉन्चर के साथ कुछ विजेट्स के सपोर्ट आपको मिल जाते हैं, और ये डिपेंड करेगा आपके सिस्टम के एप्लीकेशन के ऊपर कि किस टाइप का एप्लीकेशन आपने डाल रखा है वो विजेट्स को सपोर्ट करता है या नहीं। तो अभी फिलहाल यहाँ पे आपको देखने को मिलता है फोटो का विजेट्स वगैरह, कुछ पहले वाले ओल्ड, और यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं इसके खुद के गैलरी के विजेट्स, जो कि मैं यहाँ पे अप्लाई कर रखा हूँ। और अल्फा लॉन्चर में काफ़ी ज़्यादा बग थे, वहाँ पे मात्र एक ही फोटो अप्लाई होता था, बट यहाँ पे आप देख सकते हो कि कई सारे फोटोज अप्लाई हो रखे हैं, जो कि मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर रखा हूँ। और इसका एनिमेशन काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, जबकि पहले हमें एनिमेशन देखने को नहीं मिल रहा था। तो आपको यहाँ पे काफ़ी अच्छा खासा इफेक्ट देखने को मिलने वाला है। तो अगर आप इसे यूज करना चाहते हो तो बस सिंपली आपको क्या करना है ना, कि डाउनलोड करना है डिस्क्रिप्शन से, उसके बाद आपको अपने लॉन्चर को कुछ इस तरीके से टाइप करके अपडेट कर लेना है। आप ऑलरेडी अगर अल्फा लॉन्चर भी यूज कर रहे थे ना, तो भी शायद ये अपडेट हो जाएगा, लेकिन अगर नहीं अपडेट होता है, एरर आता है या नॉट इंस्टॉल्ड लिखा हुआ आता है, तो बस आपको क्या करना है कि आपको अपने सिक्योरिटी ऐप पे जाना है, मैनेज पे जाना है, ट्रिपल डॉट पे टाइप करके आपको यहाँ पे करना है शो ऑल, और यहाँ पे सर्च करना है सिस्टम लॉन्चर या फिर सिर्फ और सिर्फ लॉन्चर। ये देख सकते हो ये आ चुका। अब यहाँ पे टाइप करने के बाद जो आपको दिखाई दे रहा है फोर्स अनइंस्टॉल और क्लीन, तो अनइंस्टॉल पे टाइप करके अनइंस्टॉल कर देना है। तो आपके फ़ोन के साथ जो बाय डिफॉल्ट लॉन्चर देखने को मिला होगा आपके अपडेटेड वर्जन के साथ, वो आपको बाय डिफॉल्ट यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, और जो लेटेस्ट आपने अल्फा बीटा जो कुछ भी डाल रखा होगा वो अनइंस्टॉल हो जाएगा। उसके बाद आप देखोगे यहाँ पे बिल्कुल डिफरेंट टाइप का लुक देखने को मिल रहा है, और यहाँ पे आप देख सकते हो इसमें जो डन का ऑप्शन है, राइट का ऑप्शन है, और यहाँ पे अनइंस्टॉल वगैरह का ऑप्शन है, इसमें आपको बदलाव देखने को मिल रहा है, जो कि हमारा ओल्ड लुक है, जो कि आप स्टिल अभी यहाँ पे यूज कर रहे होगे। लेकिन अपडेट करने के बाद सब कुछ बदल जाता है और नए से लुक में देखने को मिलता है, जिसकी वजह से एनिमेशन, ट्रांजिशन और बहुत सारी चीज़ों में आपको जो यहाँ पे इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। उम्मीद करता हूँ कि ये लॉन्चर आपके काफ़ी काम आने वाला है, और आपके फ़ोन के अंदर जो कुछ भी थोड़ा बहुत इशू देखने को मिलता था होम लॉन्चर से रिलेटेड, एनिमेशन से रिलेटेड, वो इस अपडेट के बाद काफ़ी हद तक है जो आपका फिक्स हो जाएगा। आप मुझे कमेंट करके बताना है कि ये लॉन्चर आपके फ़ोन में किस तरीके से काम कर रहा है और किस तरीके से नहीं, और अगर आपका फ़ोन एंट्री लेवल का है ना, तो मे बी उसमें कुछ खास इफेक्ट वगैरह देखने को नहीं मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। बस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, ताकि आपको इसी तरह का अपडेट का इन्फॉर्मेशन मिल सके। और अभी कुछ दिन पहले ही मैंने आपको जो और भी कई सारे सिस्टम के ऐप्स के अपडेट बता रखे हैं और दिए हैं, तो आपने उन्हें नहीं वॉच किया है तो वॉच कर लेना, क्योंकि वो आपके काफ़ी काम आने वाले। So, bye-bye.